एकता नगर खाते एडवेंचर टूर ऑर्पोरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुजरात प्रवास निगम ना संयुक्त उपक्रमे योजाई रहेला 15मा वार्षिक अधिवेशन नो प्रारंभ थयो। अधिवेशन में सहभागी थयेला अरुणाचल प्रदेश ना मुख्यमंत्री पेमा खांडूए स्पष्ट मत व्यक्त करता कह्यु के वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी ना दृढ़ संकल्प ना परिणामे पूर्वोत्तर राज्यों में उभी थयेली भौतिक सुविधाओं ने कारण आ 7 राज्यों में प्रवासियों की संख्या वधी छे। तेमणे जणाव्यु के वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी पासे प्रवासन क्षेत्र ना विकास माटे विजन छे अने तेना कारणे सांस्कृतिक धार्मिक प्राकृतिक संपदा धरावता प्रदेशों में सुविधाओं वधता सहूलियत में वृद्धि थई छे। प्रवासियों माटे सुविधाओं जेवी के मार्ग रेलवे एर कनेक्टिविटी पुलों ना निर्माण थी प्रवासियों ना आवागमन वध्या छे। आसाम मा भूपेंद्र हजरिका पुल बनवाथी पूर्वोत्तर ना राज्यों ने महत्तम फायदो थयो छे। नर्मदा डेम अने सरदार साहेब नी ऊंची प्रतिमा ने कारणे अहीं देश विदेश ना प्रवासियों नो प्रवाह वध्यो ते जोई शकाय छे। तेमणे केन्द्र सरकार नी देखो अपना देश अभियान नी पण प्रशंसा करी। साहसिक प्रवृत्ति ना माटे अरुणाचल प्रदेश मा रहेली तको प्रस्तुत करता पेमा खांडूए कह्यु के अहीं पर्वत उपर 0 डिग्री तापमान तो तळेटी मा गरमी होय छे। प्राकृतिक सुंदरता भूखंडની વિવિધતા સાહસિક પ્રવાસીઓને આકર્ષે એવી છે। 3 દેશો સાથે સરહદો જોડાયેલી છે। તેમણે ટૂર ઓર્પોરેટર એસોસિએશન અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવવા નિમંત્રણ પાઠવ્યું હતું। ઓકે સર, સર આપ સેકન્ડ વિઝિટ આપકા એક તો હે નહીં ના સર, તો સેકન્ડ વિઝિટ ઓર જો ટુરિઝમ કા યે જો ઇવેન્ટ હે ઇસકો લેકે ક્યા કહેંગે ઓર અપના જો ખાસ તો ટુરિઝમ કો બૂસ્ટર દેને કે લિયે કિસ તરહ સે પ્રયાસ કિયે જાયે। આજ યહાં ઓન ધ બેંક્સ ઓફ નર્મદા મે મેરા યે સેકન્ડ વિઝિટ હે। पहला दफ़ा फर्स्ट टाइम मैं आया था, लास्ट ईयर आया था। उसमें अपना अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सपोजर टूर में लेके आया था अपने साथ में, क्योंकि यहाँ पे अभी अपना सरदार सरोवर डैम है, इसके बाद अपना सरदार पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका आने से फिर यहाँ के जो लोकल एरियाज़ में टूरिज़्म किस प्रकार से उन्होंने एडोप्ट किया और टूरिज्म का रिलेटेड क्या क्या बिजनेस वो लोग रन कर रहा है उसको दिखाने के लिए अपना अरुणाचल से मैं जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको लेके आया था। इट वॉज ए गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। अब इस बार का जो हमारा विजिट है अपना एडवेंचर टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उनका अपना यहाँ पे 15th एनुअल कॉन्फ्रेंस है, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आया हूँ। और चूँकि अरुणाचल प्रदेश हमारा जो राज्य है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है एडवेंचर टूरिज्म को होस्ट करने के लिए, तो मैं अभी इनवाइट किया हूँ अपना ATUI के जो नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा वो अरुणाचल में किया जाए, तो दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड द ऑनर एंड वी आर वेरी प्राउड। नेक्स्ट ईयर इसको हम लोग अरुणाचल में होस्ट करेंगे। आने वाला दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी जो लीडरशिप में और देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, डेफिनेटली टूरिज़्म भी अपना देश का इकोनॉमी में एक बड़ा वे से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा देश में अभी टूरिज्म एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी हलचल, अभी काफ़ी उपलब्धि और नया डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और खासकर सर नॉर्थ ईस्ट को लेके जो आपने जो एडवेंचर टूरिज्म है, तो कुछ आर्मी के एक्स जो है उनका भी मदद ली जाएगी जिसकी वजह से काफ़ी उसको बूस्टर है, तो किस तरह का प्लानिंग है? टूरिज्म जो है बहुत होलिस्टिक वे में अभी प्लान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लॉन्चिंग हुआ है तो वहाँ में हमारा अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से जुड़ा हुआ बहुत सारा गांव है, और क्योंकि बॉर्डर में आर्मी लोग तैनात है तो आर्मी का साथ में मिलकर अभी हम लोग उस बॉर्डर को भी टूरिज्म के पोटेंशियल में देखते हुए सस्टेनेबल मॉडल में हम लोग आगे बढ़ रहा है। और इसका आर्मी लोग जिस प्रकार से हमारे वहाँ गाँव में अपने लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं टूरिज़्म में किस प्रकार से लोगों को होस्ट करना है, तो इस प्रकार से काफ़ी एक्टिविटीज़ है वो जॉइंटली हम लोग ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ रहा है रूरल टूरिज्म को लेके। हाँ तो सर, किस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट में जो पहले टूरिज्म बहुत कम था, लोग कम जाते अब्रोड जाते थे, तो किस तरह से प्रयास किया जाए कि देश के जो इसी राज्य के जो नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके वहाँ टूरिज्म बढ़े, तो क्या कहेंगे देशवासी? इसमें अभी सबसे पहले तो ये हम लोगों का जानना होगा कि पहले वहाँ का कनेक्टिविटी का बहुत ही बुरा हाल था, तो कनेक्टिविटी नहीं होने से फिर अपने लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाता था और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हुआ करता था। लेकिन आज से 9 वर्ष पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कमान संभाला तब से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बहुत अच्छा प्रोजेक्शन उन्होंने किया, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नॉर्थ ईस्ट में बहुत मदद किया। आज हमारे वहाँ पे अच्छा हाईवेज है, रेलवे सब जगह वहाँ पे पहुँच गया है, अब एयरपोर्ट्स वहाँ पे बहुत जगह में बन गया है, दूर दराज में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ गया है, तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफ़ी रोबस्ट होकर आया है नॉर्थ ईस्ट में। उसके चलते हमारा देश का भी अपना जो डोमेस्टिक टूरिज्म है अभी इनफ्लो बहुत बढ़ गया है। दीपक शक्ताप नो रिपोर्ट S9 न्यूज राजपिपड़ा। अमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहेवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।